हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तरफ से। और ये जो है खबर है कि आज के न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान में है, फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है और फुल डिटेल जो है उसका 6 पेज पे दिया गया, पेज नंबर 6 पे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, पुलिस विभाग में 9534 पदों पर होगी मतलब भर्ती प्रक्रिया तेज। ये जो है दरोगा भर्ती की बात की जा रही है और दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम के बारे में बात की। लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ देखिए, पुलिस पीएससी एवं अग्निशमन विभाग में रिक्त 9534 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। और उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए जनवरी 2021 में परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसमें 9027 पद सब इंस्पेक्टर के हैं और 484 पद प्लाटून कमांडर के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी 21 में होगा, ठीक है, 2021 में होगा इस यूपीएसआई का एग्ज़ाम। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर जनवरी में होगा तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला होगा, क्योंकि एप्लीकेशन आएगा, फिर 1 महीने तक ऑनलाइन होगा, फिर 2 महीने स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपका कहीं एडमिट कार्ड आएगा, यानी 3 महीने। और इस महीने में 3 महीने ही बचा हुआ है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको यही महीने में इनको जो है, या फिर अगले महीने में 15 से पहले इनको भर्ती निकालनी पड़ेगी अगर ये अपने दावे पे सही उतरते हैं तो। हालांकि काफ़ी दिन से ये चर्चा चल रही है कि यूपीएसआई आएगी आएगी आएगी, लेकिन आ नहीं रही है। और फिलहाल इन्होंने जनवरी को एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया हुआ है, जनवरी में करवाएंगे, ठीक है, 2021 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अगर जनवरी में ये एग्ज़ाम कराएंगे तो मतलब है कि अगले महीने 15 से पहले इनको वैकेंसी 100% देनी पड़ेगी, तभी एग्ज़ाम करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवा पाएंगे। इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी साथियों। अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते किसी दूसरे वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार। पेज नंबर 6 पे आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू साथियों।